नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सर्जेंट मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों जिस प्रकार से जियो सिनेमा आगे बढ़ते जा रहा है और हर वीकली इस पर कहीं कोई ना कोई मूवी और वेब सीरीज तो आए दिन रिलीज़ हो रही है इसी बीच एक मूवी रिलीज की गई है जियो सिनेमा पर जिसका नाम है एक तरह से मैं आपको बता दूँ तो सर्जेंट जी हाँ दोस्तों ये सर्जेंट मूवी जी एस सिनेमा पर रिलीज की गई है और इसके अंदर कई सारे कलाकार हैं जिसके अंदर मेन लीड के अंदर आपको देखने को मिले हैं रणदीप हुड्डा और साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई कलाकार हैं सपना पांडे और और भी कई कलाकार इसमें देखने को मिले हैं तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका रिव्यू करेंगे एक्सप्लेन करेंगे और क्या स्टोरी आपको देखने को मिली और साथ ही साथ इस मूवी का बजट प्रोडक्शन सारे कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेलाइकन दबाकर इसे एल्पो सेट कर ले तो इसके बारे में जानना चालू करते हैं रणदीप हुडा जन्म 20 अगस्त 1976 एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा और कुछ अंग्रेज़ी फ़िल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं हुडा ने अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत मॉनसून वेडिंग से की थी गैंगस्टर फ़िल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2010 के साथ उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया और साहेब बीवी और गैंगस्टर 2011 हज़ार ग्यारह रंगरसिया 2014 हाईवे 2014 और सरबजीत 2016 उन्हें सफल फिल्मों जन्नत 2 दो हजार 2 2012 जिस्म दो कॉकटेल 2012 किक 2014 सुल्तान 2016 बागी दो 2018 में अभिनय के लिए भी जाना जाता है 2020 में उन्होंने एक्सट्रैक्शन से हॉलीवुड में डेब्यू किया हुडा का जन्म 20 अगस्त 1976 को हरियाणा के रोहतक में एक हिंदू परिवार में डॉ रणबीर हुडा और आशा हुडा के घर हुआ था उनके पिता एक मेडिकल सर्जन हैं और उनकी मां एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दो तीन एक चार उन्होंने अपना अधिकांश बचपन अपनी दादी के साथ अपने गृहनगर में बिताया क्योंकि उनके माता पिता बड़े पैमाने पर यात्रा करते थे और अधिकांश समय मध्य पूर्व में रहते थे पांच उनकी एक बड़ी बहन अंजलि हुडा सांगवान एक मेडिकल एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षित हैं छः सात आठ और एक छोटा भाई संदीप हुडा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सिंगापुर में नौ। उनकी शिक्षा मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय, हरियाणा के एक बोर्डिंग स्कूल हुई नौ जहां उन्होंने तैराकी और घुड़सवारी खेलों में भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते दस बाद में हुडा ने थिएटर में रुचि विकसित की और स्कूल प्रस्तुतियों में भाग लिया जिनमें से एक का उन्होंने निर्देशन भी किया ग्रेडिफ कॉम के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों के सामने आना अच्छा लगता है हालांकि उनका परिवार चाहता था कि वह एक डॉक्टर बने और उन्हें नई दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम में स्थानांतरित कर दिया गया दस ग्यारह हुडाने उस माहौल से जिसमें वह लोकप्रिय थे ऐसे माहौल में बदलाव का वर्णन किया जिसमें उन्हें कठिन कहा जाता था दस अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उड़ा उन्नीस सौ पंचानवे में, में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया चले गए जहां उन्होंने मार्केटिंग में स्नातक की डिग्री और व्यवसाय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन किया दस उस अवधि के दौरान उन्होंने एक चीनी रेस्तरा कार धोने वेटर के रूप में और दो साल तक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम किया एक दो शून्य 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 में हुडा भारत लौट आए और एक एयरलाइन के विपणन विभाग में काम किया बाद में उन्होंने दिल्ली में मॉडलिंग और शौकिया थिएटर में काम करना शुरू कर दिया तेरा नाटक टू टीच हिज ओन के अभ्यास के दौरान निर्देशक मीरा नायर ने अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए हुडा से संपर्क किया दस चौदह फिल्मों के अलावा रणदीप हुड्डा सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते के कारण सुर्खियों में आए जिनसे आखिरकार उनका रिश्ता टूट गया दो हजार एक शून्य नौ पदार्पण और संघर्ष हुड्डा ने मीरा नायर की फिल्म मॉनसून वेडिंग 2001 में ऑस्ट्रेलिया के एक अनिवासी भारतीय की भूमिका निभाकर अपने अभिनय की शुरुआत की हालांकि फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही लेकिन हुडा को दूसरे प्रोजेक्ट के लिए चार साल तक इंतजार करना पड़ा दस सोलह इस बीच उन्होंने खुद को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए थिएटर में काम किया और टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दिए सत्रह उन्होंने नई दिल्ली में नेशनल स्कूल में नसीरुद्दीन शाह द्वारा आयोजित एक कल्पना और सुधार कार्यशाला में भी भाग लिया और सहायता की दस 2005 में हुडा को राम गोपाल वर्मा की गैंगस्टर फ़िल्म डी में मुख्य पुरुष भूमिका के रूप में लिया गया था 18 फिल्म में उनके प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली तरण आदर्श ने लिखा रणदीप के बिना यह वैसा नहीं होता जैसा यह है वह गिरगिट की तरह अपने भाव बदलता है और रंग बदलता है और यही वह स्कोर करता है उन्नीस डी के बाद हुडा डरना जरूरी है 2006 रिस्क 2007 हजार सात रूबारू दो और लव खिचड़ी 2009 सहित समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों की एक श्रृंखला में दिखाई दिए 2021 2010 16 निर्णायक और आलोचनात्मक प्रशंसा वर्ष 2010 हुडा के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड साबित हुआ वह मिलन लुथरिया की वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में दिखाई दिए जो एक पीरियड एक्शन ड्रामा मुंबई में संगठित अपराध के उदय को दर्शाया गया था बाईस अजय देवगन इमरान हाशमी कंदना रनौत और प्राची देसाई के साथ सह कलाकार ने फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई तेईस फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों द्वारा काफी सराहा गया चौबीस पच्चीस द हिंदू के सुदीश कामत ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की तुलना अमिताभ बच्चन से की और लिखा कि अपने सीमित स्क्रीन समय के बावजूद वह अपने बैरिटोन फायरिंग डायलॉग साथ अपने आसपास के दृश्यों को चबाता है जैसे कि वह इस भूमिका को निभाने के लिए ही पैदा हुआ हो छब्बीस फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा ने उन्हें अपने आप में एक रहस्योदघाटन बताया सत्ताईस यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने भारत में सात सौ अस्सी रुपये मिलियन नौ यूएस डॉलर आठ मिलियन से अधिक की कमाई की अट्ठाईस हुडा ने भी अपनी बात की सफलता का श्रेय फ़िल्म को देते हुए कहा कि इस भूमिका के बाद उनकी पेशेवर संभावनाएं वास्तव में बदल गईं वह भूमिका से पहले अभिनय से विश्राम पर थे और उन्होंने कहा कि इसने मुझे बड़े पैमाने पर वापस लाया अब अन्य निर्देशक और प्रोडक्शन हाउस मुझे एक ऐसे अभिनेता के रूप में देखते हैं जो बड़ी भूमिकाएं निभा सकता है और लंबे समय तक स्क्रीन पर उपस्थिति दर्ज करा सकता है उनतीस ग्रे सूट में कैमरे को पोज देते हुए हुडा 2012 में लायंस गोल्ड अवार्ड्स में हुडा अगले वर्ष हुडा ने जिमी शेरगिल और माही गिल के साथ तिग्मांशु धुलिया की रोमांटिक थ्रिलर बीबी और गैंगस्टर में अभिनय किया फिल्म और एक गैंगस्टर का उसका चित्रण जो एक विवाहित महिला के ड्राइवर के रूप में काम करते समय उसके प्यार में पड़ जाता है ने आलोचकों से अच्छी समीक्षा अर्जित की डिजिटल स्पाई एक साक्षात्कार में उड़ा ने कहा इस किरदार के लिए मेरी प्रेरणा हरियाणा में मेरी जड़ों से मिली जब मैं बड़ा हुआ और जिन लोगों को मैंने देखा था मेरे चाचा ड्राइवर थे और मैंने उस समय और अपने आस सके लोगों के बारे में सोचा उनतीस टाइम्स ऑफ इंडिया की निखत काजमी ने उन्हें बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाला कहा मलानी ने लिखा रणदीप हुडा ने अपने करियर का अब तक का सबसे अच्छा किरदार निभाया है और उन्हें अपने अभिनय कौशल को दिखाने के लिए अपार गुंजाइश मिलती है वह अपने किरदार में जो जुनून जुनून भावनाएं और अभिव्यक्ति लाते हैं वह बिल्कुल उत्कृष्ट है इकतीस 2012 में हुडा की पहली फिल्म कुणाल देशमुख की क्राइम थ्रिलर दो थी जो जन्नत 2008 की अगली कड़ी थी जन्नत दो को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और हुडा को उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली तरण आदर्श ने लिखा अभिनेता ने एक और नॉकआउट परफॉर्मेंस दी है वह कई दृश्यों में हावी है जिससे आपको एहसास होता है कि अगर मौका दिया जाए तो वह आदमी सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं से भी कमाल चुरा सकता है बत्तीस सिफी की सोनिया चोपड़ा ने कहा रणदीप हुडा फिल्म की सबसे अच्छी बात है तैतीस यह एक व्यावसायिक सफलता थी और ई सने चार सौ दस रुपए मिलियन पांच यूएस डॉलर एक मिलियन से अधिक का घरेलू राजस्व अर्जित किया चौंतीस हुडा की अगली उपस्थिति पूजा भट्ट की कामुक थ्रिलर जिसम दो में सनी लियोन के साथ थी फिल्म और हुडा के प्रदर्शन को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली द हॉलीवुड रिपोर्टर की लिसात सेरिंग ने कहा कि हुडा एक हिंसक अपराधी की भूमिका में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सुलगते हैं पैंतीस राजीव मसंद जो उनके प्रदर्शन से कम प्रभावित थे ने लिखा आमतौर पर भरोसेमंद हुडा सभी भावनाओं के साथ थोड़ा आगे निकल जाता है उदासीन और हाइपर के बीच बारी बारी से उड़ा एक बेथाश अविश्वसनीय चरित्र का निर्माण करता है जो अधिकांश अनपेक्षित को प्रेरित करता है इस फिल्म में हंसी आती है छत्तीस जिसम दो की कमाई के साथ एक मध्यम व्यावसायिक सफलता थी भारत में 350 मिलियन यूस चार डॉट चार मिलियन सैतीस एकने के बाद हुडा को चुना था 2011 हजार फिल्म को मिश्रित से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली लेकिन आलोचकों ने हुडा के अभिनय की सराहना की चालीस डेली न्यूज एंड एनालिसिस की कनिका सिक्का ने लिखा रणदीप हमेशा की तरह अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हैं इकतालीस घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस फिल्म का प्रदर्शन खराब रहा बयालीस कैमरे के लिए पोज देते हुए हुडा और आलिया भट्ट 2014 में हाईवे के फर्स्ट लुक लॉन्च पर आलिया भट्ट के साथ हुडा। 2013 में हुडा ने विशेष भट्ट की मर्डर तीन में अदिति राव हैदरी और सारा लॉरेन के साथ अभिनय किया जो 2011 की कोलंबियाई थ्रिलर द हिडन फेस रीमेक थी तैंतालीस फिल्म और विक्रम एक फैशन और वन्यजीव फोटोग्राफर के उनके चित्रण को आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली मिंट की एक समीक्षा में कहा गया है कि हुडा किसी किरदार को निभाने की अपनी क्षमता से सैकड़ों शेड्स नीचे हैं चवालीस फिल्म ने 10 दिनों में दुनिया भर में दो सौ मिलियन तीन यूएस डॉलर एक मिलियन की कमाई की और औसत कमाई की 45 उस वर्ष के अंत में हुडा ने केतन मेहता की जीवनी पर आधारित पीरियड फिल्म में अभिनय किया रंगरसिया उन्नीसवीं सदी के भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है हु ने नसीरुद्दीन शाह के साथ थ्रिलर जॉन डे में भी अभिनय किया वह एंथोलॉजी फिल्म बॉम्बे टॉकीज के लिए करण जौहर द्वारा निर्देशित एक सेगमेंट में रानी मुखर्जी और साकिब सलीम के साथ भी दिखाई दिए यह फिल्म भारतीय सिनेमा के 100वें वर्ष के जश्न के रूप में बनाई गई थी और 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई थी छियालीस 2014 में उडा इम्तियाज अली की हाईवे में आलिया भट्ट के साथ नजर आए अपने किरदार में अभ्यस्त होने के लिए जिसका भट्ट के किरदार के साथ दूर का रिश्ता था उन्होंने लगभग 25 दिनों तक उससे बात करने से परहेज किया सैतालीस हिंदुस्तान टाइम्स के लिए परमिता उनियाल ने हुडा के सूक्ष्म लेकिन नियंत्रित प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा कि उन्होंने अपने चरित्र को प्रामाणिकता प्रदान की 48 इसके बाद उन्होंने साजिद नाडियाडवाला की एक्शन फिल्म किक किया जिसमें उनके सह कलाकार सलमान खान और जैकलीन फरना डीज थे यह फिल्म की कुल कमाई के साथ 2014 की बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनकर उभरी चा दो बिलियन तिरपन यूएस डॉलर मिलियन उनचास इस साल हुडा की आखिरी रिलीज इमरान हाशमी और कंगना रनौत अभिनीत फिल्म उंगली थी फिल्म की व्यावसायिक विफलता दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया था और आलोचकों द्वारा इसकी आलोचना की गई थी फिल्म की संभावित संभावनाओं पर जोर देते हुए मिड डे समीक्षक शुभा शेट्टी साहा ने कहा कि फिल्म अद्भुत होती अगर इसमें बेहद मूर्खतापूर्ण संवाद नहीं होता पाँच शून्य दो शून्य एक पाँच में उड़ाने प्रवाल रमन की फिल्म में और चार्ल्स में सीरियल किलर शोभराज की भूमिका निभाई यह उस पुलिसकर्मी आमोद कंठ के दृष्टिकोण से बताया गया था जिसने उनके मामले को संभाला था और यह उनके उन्नीस के जेल से भागने पर भी आधारित था यह फिल्म भारत में 31 अक्टूबर 2015 को रिलीज हुई थी जिसे समीक्षकों से ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी इक्यावन बावन दो में उड़ाने चार फिल्मों में अभिनय किया पहली ड्रामा थ्रिलर रंग थी जो अवैध रक्त बिक्री पर आधारित थी तिरपन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस असफल रही और इसे समीक्षकों से ठंडी प्रतिक्रिया मिली हुडा के प्रदर्शन को फिल्म में एकमात्र उज्जवल बिंदु के रूप में उजागर किया गया था चौवन पचपन ओमंग कुमार की जीवनी पर आधारित नाटक सरबजीत उनकी अगली रिलीज थी जिसमें उन्होंने सरबजीत सिंह की भूमिका निभाई जिसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और बाद में कथित आतंकवाद के लिए उनके सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी भूमिका की तैयारी के लिए हुडा ने 28 दिनों में 18 किलो वजन कम किया छप्पन फिल्म का प्रीमियर उनहत्तरवें कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ सत्तावन और आलोचकों से इसे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली अट्ठावन अनुपमा चोपड़ा ने हुडा को शानदार कहा उनसठ सरबजीत बॉक्स ऑफिस सफल साबित हुई साठ इकसठ होड़ा की अगली रिलीज काजल अग्रवाल के साथ दीपक तिजोरी की दो लफ्जों की कहानी थी 2011 की कोरियाई फिल्म ऑलवेज की रीमेक यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही थी छ दो छ तीन दो शून्य एक छ में उनकी अंतिम रिलीज स्पोर्ट्स ड्रामा सुल्त आन थी जिसमें सलमान खान और अनुष्का शर्मा सह कलाकार थे जिसमें उन्होंने सुल्तान के कोच की भूमिका निभाई थी से अधिक की कमाई के साथ दुनिया भर में पांच बिलियन तिरसठ यूएस डॉलर मिलियन के साथ यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार है हुडा ने दो साल के अंतराल के बाद 2018 की एक्शन फिल्म दो में सहायक भूमिका निभाई वह साराग्ढी की लड़ाई पर आधारित एक फिल्म पर काम कर रहे थे लेकिन तीन साल से अधिक समय तक विकास में फंसने के बाद अंततः इस परियोजना को छोड़ दिया गया पैंसठ हुडा ने अमेरिकी एक्शन थ्रिलर 2020 के साथ हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ और गोल्ड शिफते फराहानी ने अभिनय किया फिल्म 24 अप्रैल 2020 को रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स का अनुमान है कि रिलीज के पहले महीने में फिल्म को 90 मिलियन दर्शक देखेंगे उड़ा ने राधे 2021 में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई फिल्म को समीक्षकों से भी नकारात्मक समीक्षा मिली उन्होंने नेटफ्लिक्स श्रृंखला कैट 2022 में अभिनय किया उड़ा को उनकी भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली वह विनायक दामोदर सावरकर पर आधारित व्यंग्य नाटक अनफेयर एंड लवली 2023 और स्वतंत्र वीर सावरकर 2023 में नज़र आने वाले हैं हुडा अपने अभिनय करियर की शुरुआत से ही थिएटर से जुड़े रहे हैं वह नसीरुद्दीन शाह के मोटली थिएटर ट्रूप सदस्य हैं छियासठ सड़सठ डेली न्यूज एंड एनालिसिस के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा थिएटर के साथ मेरा पहला कार्यकाल स्कूल में था जहां मुझे शेर का मुखौटा पहनने और कई मिनट तक दहाड़ने के लिए कहा गया था मेरे माता पिता मुझे देखने आए थे बहुत सारी उम्मीदें थीं और दुख की बात है कि मास्क के कारण वे मुझे मंच पर पहचान भी नहीं सके सड़सठ अपने फिल्मी करियर के दौरान हुडा ने नाट्य प्रस्तुतियों में भाग लिया है उन्होंने कहा दोनों थियेटर और फिल्मों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है लेकिन मैं खुद को कभी भी थिएटर छोड़ते हुए नहीं देखता मैं वास्तव में जो हूं उससे इसका गहरा जुड़ाव है इसलिए अगर फिल्में आपको उड़ने के लिए पंख देती हैं थिएटर एक रियलिटी चेक है यह आपको जमीन से जोड़े रखता है फिल्में आपको हीरो जैसा महसूस करने की संतुष्टि दे सकती हैं लेकिन थिएटर आपको एक अभिनेता होने की वास्तविक संतुष्टि देता है दोस्तों जिस प्रकार से जियो सिनेमा पर आए दिन कोई ना कोई कंटेंट रिलीज हो रहा है उन सभी का रिव्यू किया जा रहा है और जितना हम रिव्यू नहीं करते उससे कम तो ये जियो सिनेमा वाले एक तरह से उसका प्रमोशन करा रहे हैं जी हाँ दोस्तों आए दिन कई एक तरह से जिनके टीजर या ट्रेलर भी आउट नहीं किए जाते वो चीज़ आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिल रही है लेकिन इतने सारे कंटेंट आने के बाद भी ऑडियंस इस पर रुक पाएगी या नहीं आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए साथ ही साथ जियो सिनेमा पर अब और भी कोई अपडेट आने वाला है यानी और भी कई मूवीज आने वाली है उनकी भी एक तरह से छोटी वीडियो में लेकर आने वाला हूँ कि इस मंथ में आपको क्या क्या देखने को मिलेगी सारी कुछ अपडेट मैं आपको बताऊंगा तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेलाइकन दबाकर कर से पर सेट कर दे ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके साथ ही साथ दोस्तों आपको जिस भी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट कर दें हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों अब इसके बारे में और डिटेल में आपको बताता दो प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन के बारे में उड़ा काली शलवार और कुछ सादत हसन मंटो की लघु कहानियों पर आधारित एक नाटक टू टीच और आर्म्स एंड द द मैन मैन है उन्होंने उत्तरार्ध को एक विशिष्ट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाटक के रूप में वर्णित किया यह दर्शकों के मनोरंजन के लिए तत्वों से परिपूर्ण है यह सच्चे प्यार वीरता और कुछ भ्रमित रिश्तों पर प्रकाश डालता है जो वर्तमान सामाजिक संरचना में भी काफी चौंकाने वाले हैं सड़सठ लीटर ब्लेसिंग की ए वॉक इन द वुड्स को भारतीय संदर्भ में रूपांतरित करके हुडाने एक लेखक के रूप में अपनी नाटकीय शुरुआत की इस नाटक का निर्देशन रत्ना पाठक ने किया था और इसमें नसीरुद्दीन शाह नजर आए थे उनहत्तर सत्तर घुड़सवारी खेल घुड़सवारी मैदान की बाड़ पर झुका हुआ हुडा रेमंड नेशनल और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हुडा इकहत्तर बड़े पैमाने पर मेरा पोलो में शामिल होना स्वाभाविक था आज पोलो केवल राजघरानों और भारतीय सेना तक ही सीमित नहीं है कई कंपनियां और कंपनियां इस खेल को संरक्षण दे रही हैं भले ही आपको मौका न मिले खेलने के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप में खेल को देखने में सक्षम होने की पूरी संभावना है जो लगभग खेलने जितना ही अच्छा है रणदीप हुडा डेक्कन हेराल्ड के साथ एक साक्षात्कार में बेहतर हुडा एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता हैं जो पोलो और शो जंपिंग घुड़सवारी खेलों में नियमित रूप से भाग लेते हैं बेहतर उन्होंने अपनी फिल्म डी की रिलीज के बाद पेशेवर स्तर पर प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी तिहत्तर हुडा को शो जंपिंग में कर्नल एस एस अहलावत और ब्रिगेडियर बिश्नोई द्वारा प्रशिक्षित किया गया था चौहत्तर उन्होंने घुड़सवारी को अपना जुनून बताया घोड़ों के साथ मेरा पहला कार्यकाल तब हुआ जब मैं हरियाणा के मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स में आठवीं कक्षा में था लेकिन उसके बाद मैंने सत्रह साल तक घोड़ों की सवारी नहीं की चौहत्तर उनके पास आठ घोड़े थे लेकिन उन्होंने उनमें से दो नए प्रशिक्षुओं को दे दिए पचहत्तर वह अपने घोड़ों को महालक्ष्मी रेस कोर्स में रखते हैं मुंबई में छिहत्तर दिसंबर 2008 में मुंबई में एक पोलो मैच के दौरान अपने घोड़े से गिरने के कारण टखने में गंभीर चोट लगने के बाद हुडा की सर्जरी हुई सतहत्तर अगले वर्ष उन्होंने दिल्ली में भारतीय घुड़सवारी महासंघ द्वारा आयोजित एक ओपन ड्रेसेस कार्यक्रम में रजत पदक जीता अठहत्तर हुडा ने मुंबई और दिल्ली में घुड़सवारी स्पर्धाओं में भी पदक जीते हैं जहां उन्होंने भारतीय सेना के घुड़सवारों के साथ भाग लिया था सात नौ आठ शून्य दो शून्य एक चार में उड़ाने ड्रेसेस और शो जंपिंग में राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप में क्रमशः तीन स्वर्ण और दो रजत और कांस्य पदक सहित सात पदक जीते तिहत्तर इसके अतिरिक्त उन्होंने 2009 में दिल्ली आर्स शो 2011 में बॉम्बे हॉर्स आर्स शो जीता है पचहत्तर इक्यासी पत्रकारिता 2009 में हुडा एशियन कॉरेस्पोंडेंट द्वारा प्रकाशित एक कॉलम में अतिथि योगदान करता थे बयासी उनके लेख का शीर्षक था ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के खिलाफ हिंसा विवाद पर चर्चा की गई हुडा ने ऑस्ट्रेलिया में अपने अनुभव के बारे में लिखा जहां उन्हें नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा उन्होंने कहा मेरे अनुभव मेरे दिमाग में नस्लीय भेदभाव की घटनाएं नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक श्रेष्ठता के व्यक्तिगत दावे की चुनौती थी अंत में उन्होंने लिखा मुद्दा अंदर से सख्त होना है क्रिकेट के अलावा एक खेल खेलना है दिल रखना है और एकता में खड़े होना है और कहना है कि हम गंदगी नहीं सहेंगे इसके लिए बस कुछ अग्रदूतों और मेरी जरूरत है मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने कोशिश की और ऐसा करना जारी रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि कुछ अन्य लोग भी ऐसा करेंगे आठ दो दो शून्य एक एक में उड़ाने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए एक ब्लॉग लिखना शुरू किया तिरासी सामाजिक सक्रियता सितंबर 2010 में उडा और जैकी की भगनानी भारत में गरीब समुदायों को सुधारने के लिए कपिल देव के एनजीओ खुशी के लिए एक चैरिटी फैशन शो चौरासी अगले वर्ष उडा ने भारत में पुरानी भूख के बारे में सार्वजनिक जागरूकता फैलाई उन्होंने जिसम दो के कलाकारों और क्रू के सामने एक वीडियो पेश किया जिन्होंने इसे अपने सोशल मीडिया पर साझा किया 1985 दिसंबर 2012 में हुडा ने इम्तियाज अली राहुल बोस महेश भूपति और निशिकांत कामत के साथ एक आत्महत्या विरोधी पहल में भाग लिया बारहवीं कक्षा में फेल हुए हुडा ने कहा हार मत स्वीकार करो विपरीत परिस्थितियों से लड़ो असफलता एक मिथक है हर अनुभव भविष्य के लिए उचित चारा है आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं करती यह आपको समाप्त कर देती है छियासी मीडिया छवि और निजी जीवन उडा ने गोल्डन शेरवानी पहनकर रैंप वॉक किया एक प्रखर अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अलावा हुडा को भारत की सबसे आकर्षक हस्तियों में से एक माना जाता है आठ सात दो शून्य एक शून्य में वह टाइम्स ऑफ इंडिया की 50 सर्वाधिक वाचनीय पुरुषों की वार्षिक सूची में 21वें स्थान पर थे आठ आठ दो शून्य एक एक में इंटरनेट मूवी आईएमडीबी द्वारा आयोजित एक वैश्विक ऑनलाइन सर्वेक्षण ने उन्हें दुनिया के 20 सबसे सेक्सी पुरुषों की सूची में सातवां स्थान दिया नवासी हालांकि वह आश्चर्यचकित और आभारी थे नब्बे हुडा ने कहा कि वह ऐसे लेबलों से प्रभावित नहीं है मैं चाहता हूं कि ओग मुझे सिर्फ मेरे शरीर के बजाय मेरे काम के कारण जाने सेक्सी होना हमेशा एक अतिरिक्त फायदा हो सकता है किसी अभिनेता के लिए सब कुछ नहीं इक्यानवे एक साक्षात्कार के दौरान मिड डे उन्होंने कहा कि उद्योग में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान लोग उन्हें एक विस्फोटक जाट लड़के के रूप में देखते थे जिसका अपने काम के प्रति एक परिकलित दृष्टिकोण था सत्रह बानवे उन्होंने कहा अब मैं थोड़ा अधिक सावधान हूं मैंने खुद को अभिव्यक्त करने का तरीका बदल दिया है सत्रह उड़ा छोटी उम्र से ही छात्रावास में रहते थे उन्होंने कहा मैंने हमेशा अच्छा समय बिताया है यह कुछ ऐसा है जो मुझे ऊर्जा देता है और मेरी भावना को भी बढ़ावा देता है अब मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहें मैं उनकी कंपनी का अधिक आनंद लेना चाहता हूं। तिरानवे उन्होंने कहा कि उनके अपने माता पिता जो फरीदाबाद में रहते हैं के साथ अच्छे संबंध हैं और हर चीज के प्रति उनके खुलेपन ने उन्हें जीवन में मदद की है तिरानवे वह नसीरुद्दीन शाह को अपना गुरु मित्र और विश्वासपात्र मानते हैं कहते हैं वह एक प्रेरणा है और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे एक अभिनेता के रूप में विकसित करने में मदद की है न कि मेरे करियर को बल्कि मेरी कला को उन्होंने ही मेरी आंखें भी खोली हैं अभिनय की दुनिया में बानवे उड़ा का 2004 से 2006 तक पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ रिश्ता था चौरानवे पचानवे बाद में उन्होंने कहा कि उनके रिश्ते को खत्म करने से उनका करियर बदल गया ब्रेकअप मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी और मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसे अपने जीवन में बहुत अधिक समय दिया इसने अपने लिए कुछ करने के लिए मेरी ऊर्जा को मुक्त कर दिया चौरानवे पास कैंडी नाम का एक आवारा कुत्ता है सपना पब्बी एक ब्रिटिश अभिनेत्री और मॉडल हैं जिन्हें भारतीय टेलीविजन श्रृंखला 24 और हिंदी फिल्मों खामोशियां और ड्राइव में किरण राठौड़ के रूप में उनके काम के लिए जाना जाता है 22 साल की उम्र में बर्मिंगहम में एस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान पब्बी को ट्रिनी और सुजाना के चेहरे के रूप में चुना गया था एक पब्बी घर आजा परदेसी में रुद्राणी और 24 में किरण राठौड़ के रूप में दिखाई दी हैं। तीन पब्बी विज्ञापनों में भी दिखाई दी हैं। जैसे कि अर्जुन रामपाल के साथ गैलेक्सी चॉकलेट विज्ञापन विराट कोहली के साथ पेप्सी विज्ञापन और यामी गौतम के साथ फेयर एंड लवली विज्ञापन पब्बी वर्तमान में टेलीविजन अभिनेता वरुण सोपती के साथ अपनी दूसरी फिल्म शुजीत सरकार की सत्र को शादी है की शूटिंग कर रही हैं। चार पांच पब्बी ने विशेष फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियो के निर्माण में भी काम किया है खामोशियां अली फजल और उर्मीद चौधरी के साथ नवोदित करण दर्रा द्वारा निर्देशित अरुण गोविल जन्म 12 जनवरी उन्नीस एक भारतीय अभिनेता हैं। उन्हें रामायण टीवी श्रृंखला एक नौ आठ सात एक नौ आठ आठ में भगवान राम का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है वह पहेली उन्नीस सौ सतहत्तर सावन को आने दो उन्नीस सौ उनासी को आठ नहीं उन्नीस सौ जियो तो ऐसे जियो उन्नीस सौ इक्यासी हिम्मतवाला उन्नीस सौ तिरासी दिलवाला उन्नीस सौ छियासी और गोविंदा गोविंदा उन्नीस सौ चौरानवे जैसी फिल्मों में भी नजर आए अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी उन्नीस को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था एक दो तीन बेहतर स्रोत की आवश्यकता उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में प्राप्त की जहां उन्होंने इंजीनियरिंग विज्ञान का अध्ययन किया और कुछ नाटकों में अभिनय किया उन्होंने अपना किशोर जीवन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिताया उनके पिता चाहते थे कि वह एक सरकारी कर्मचारी बने जबकि अरुण कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें याद किया जाए चार अरुण के पिता श्री चंद्र प्रकाश गोविल एक सरकारी अधिकारी थे अरुण छह भाई और दो बहनों में चौथे नंबर पर हैं उनके बड़े भाई विजय गोविल की शादी पूर्व बाल अभिनेत्री और दूरदर्शन पर पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी टॉक शो हैं गुलशन गुलशन की होस्ट तबस्सुम से हुई जो 21 साल तक जारी रहा 1975 में वह अपने भाई के व्यवसाय में शामिल होने के लिए मुंबई चले गए थोड़ी देर के बाद उसने पाया कि उसे अब काम में आनंद नहीं आ रहा है और उसने कुछ और आनंददायक चीज़ खोजने का फ़ैसला किया चार कॉलेज में नाटक करने के बाद उन्होंने अभिनय शुरू करने का फ़ैसला किया गोविल को भारतीय सिनेमा में पहला ब्रेक 1977 की फिल्म पहेली में मिला जब उनकी भाभी तबस्सुम ने उन्हें ताराचंद बड़जात्या से मिलवाया छे उन्होंने प्रशांत नंदा की पहेली 1977 से बॉलीवुड में डेब्यू किया छे कनक मिश्रा की सावन को आने दो में काम रने के बाद उन्हें स्टारडम मिला 1992 और सत्येन बोस की साठ को आठ नहीं 1992 सात आठ उन्होंने रामानंद सागर की विक्रम और बेताल 1985 से छोटे पर्दे पर शुरुआत की नौ इसके बाद उन्हें सागर की टीवी श्रृंखला रामायण 1988 में भगवान राम के रूप में लिया गया जिसके लिए उन्होंने 1988 में अग्रणी भूमिका श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपट्रॉन पुरस्कार जीता 10 अप्रैल 2011 उन्होंने सागर के लव कुश और पद्मल्या टेलीफिल्म्स लिमिटेड के जय वीर हनुमान में राम के रूप में अपनी भूमिका दोहराई 12 13 बढ़ जाता आस्तव में फिल्म में गोविल के प्रदर्शन से प्रभावित हुए और उन्होंने उनके लिए तीन फिल्मों का सौदा साइन किया कनक मिश्रा की सावन को आने दो उन्नीस विजय कपूर की राधा और सीता उन्नीस और सत्येन बोस की साँच को आठ नहीं उन्नीस सावन को आने दो बॉक्स ऑफिस बड़ी सफल रही और गोविल को स्टारडम हासिल हुआ सात राधा और सीता बॉक्स ऑफिस असफल रही जबकि साठ को आठ नहीं बॉक्स बॉक्स ऑफिस सफलता थी आठ उन्होंने कनक मिश्रा की फ़िल्म जियो तो ऐसे जियो उन्नीस में अभिनय किया रामानंद सागर ने गोविल को अपनी टेलीविज़न श्रृंखला विक्रम और बेताल में विक्रमादित्य और रामायण में राम के रूप में कास्ट किया राम के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई और उन्हें टीवी श्रृंखला विश्वामित्र में हरिश्चंद्र या टीवी श्रृंखला बुद्ध में बुद्ध जैसी अन्य भूमिकाओं में कास्ट किया गया उन्होंने युगो साको की इंडो जापानी एनिमेशन फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा उन्नीस में राम के रूप में अपनी आवाज दी चौदह उन्होंने भी मधुसूदन राव की लवकुश उन्नीस सौ सत्तानवे में लक्ष्मण की भूमिका भी निभाई 15 वर्ष 2020 में वह दीपिका चिखिया के साथ द कपिल शर्मा शो में अतिथि के रूप में दिखाई दिए सुनील लहरी और प्रेम सागर स्वर्गीय रामानंद सागर पर पुस्तक का प्रचार करेंगे खांडकर मोहम्मद आदिल हुसैन दो उच्चारण ए डी ए यूसेन एक भारतीय अभिनेता हैं जो कई भारतीय स्वतंत्र और मुख्य धारा की फिल्म प्रस्तुतियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट और लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं दोनों 2012 दो हजार बारह उन्हें होटल साल्वेशन और मेजर रति केटेकी के लिए 2017 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष जूरी प्राप्त हुआ उन्होंने अंग्रेजी हिंदी असमिया, बंगाली तमिल मराठी मलयालम नॉर्वेजियन और फ्रेंच फिल्मों में अभिनय किया है 1963 में असम के गोलपारा में एक असमिया मुस्लिम परिवार में जन्मे एक जहां उनके पिता एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे हुसैन सात बच्चों में सबसे छोटे थे दो पांच छः सात हुसैन का परिवार निजी शिक्षकों खांडकर से लेकर सम्राटों तक का है दो एक साक्षात्कार में उन्होंने अपनी बहुजातीय पृष्ठभूमि का वर्णन किया क्योंकि उनके नाना इराकी थे जबकि उनकी नानी असमिया अंग्रेजी और इतालवी मूल की थीं। दो हुसैन ने स्कूल के नाटकों में अभिनय किया आठ उन्होंने अठारह साल की उम्र में घर छोड़ दिया नौबी बोरुआ कॉलेज गुवाहाटी में दर्शनशास्त्र का अध्ययन करने के लिए छह। उन्होंने कॉलेज के नाटकों में अभिनय करना और एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में प्रदर्शन करना शुरू किया उन्होंने एक स्थानीय स्टैंड अप कॉमेडियन समूह भाया मामा ग्रुप के प्रदर्शन के बीच लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेताओं की नकल भी की उन्होंने छह साल तक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में काम किया एक मोबाइल थिएटर जुड़े और कुछ स्थानीय सिनेमा भी किया नौ दस दिल्ली जाने से पहले जहां उन्होंने नेशनल नेशनल स्कूल एक नौ नौ शून्य एक नौ नौ तीन में अध्ययन किया उन्होंने चार्ल्स वालेस इंडिया ट्रस्ट स्कॉलरशिप ड्रामा ड्रामा स्टूडियो भी अध्ययन किया 11 मई 2012 हजार बारह कैरियर उन्नीस में भारत लौटने के बाद हुसैन असम में मोबाइल हैंगुल थिएटर में शामिल हो गए जहां उन्होंने दिल्ली जाने से पहले तीन साल तक काम किया छे उन्होंने अपने स्टेज करियर की शुरुआत दिल्ली में की हालांकि उन्होंने खालिद तैयबजी के अधीन प्रशिक्षण जारी रखा तैयबजी के बाद उन्होंने दिल्ली में दिलीप शंकर के साथ प्रशिक्षण शुरू करने से पहले पुडुचेरी के श्री अरबिंदो आश्रम में स्वपन बोस के साथ प्रशिक्षण लिया छः एक अभिनेता के रूप में उन्हें पहली बार ओथेलो एप्ले इन ब्लैक एंड व्हाइट उन्नीस सौ निन्यानवे में प्रशंसा मिली जिसे एडिनबर्ग फ्रेंच फर्स्ट से सम्मानित किया गया ग्यारह और बाद में रॉयस्टेन एबेल द्वारा निर्देशित गुड़बाई डेस्डेमोना भी मिली वह 2004 से 2007 तक हम्पी में सोसाइटी फॉर आर्टिस्ट्स एंड परफॉर्मर्स के कलात्मक निदेशक और प्रशिक्षक रहे दस और रॉयल कंजर्वेटरी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हेग में विजिटिंग फैकल्टी रहे तेरह चौदह वह अपने अल्मा मेटर नेशनल स्कूल में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं दस बारह 2004 में उन्होंने सोहा अली खान के साथ पीरियड ड्रामा इति श्रीकांत में बंगाली फ़िल्म की शुरुआत की जहां उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई 15 टेलीविज़न पर वह बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट निर्मित जासूसी श्रृंखला जासूस विजय दो शून्य शून्य दो दो शून्य शून्य तीन में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए हालांकि वह कुछ असमिया फ़िल्मों में दिखाई दिए थे बारह विशाल भारद्वाज की कमीने और सोना जैन की फ़ॉर रियल में छोटी भूमिकाएं निभाईं यह अभिषेक चौबे की इश्किया 2010 में उनकी भूमिका थी जिसने उन्हें बॉलीवुड में ध्यान आकर्षित किया 16 हालांकि उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2012 की शुरुआत में रिलीज़ हुई सैफ़ अली ख़ान करीना कपूर ख़ान अभिनीत एजेंट विनोद में थी उसी वर्ष वह इतालवी निर्देशक इटालो स्पिनेली की गैंगोर मीरा नायर की द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट और एंगली की फिल्म में दिखाई दिए पाई का जीवन पांच इंस्पेक्टर के एन सिंह के रूप में उनकी अगली भूमिका विक्रमादित्य मोटवानी के निर्देशन में रणवीर सिंह सोनाक्षी सिन्हा लुटेरा में थी इसके बाद अमित वत्स की कॉमेडी बॉयस तो बॉयस हैं जीवन में समान समस्याओं वाले चार युवाओं की कहानी है जो अंत सच्चे प्यार की राह ढूंढते हैं अठारह हुसैन ने 2014 की शुरुआत असमिया फिल्म राग द रिदम इकबाल की भूमिका के साथ की जो मुख्य भूमिका में उनकी पहली असमिया फिल्म थी श्रृंगखाल और रोडोर सिथी इस वर्ष उनकी अन्य असमिया रिलीज थीं। उन्हें हिंदी फिल्मों जैसे कांची द अनब्रेकेबल में एक सीबीआई अधिकारी के रूप में द एक्सपोज के रूप में मुख्य भूमिका में हिमेश रेशमिया के रूप में और टाइगर्स में बिलाल के रूप में इमरान हाशमी के रूप में देखा गया था एक सेल्समैन के बारे में वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित टाइगर्स को 2014 हज़ार टोरंटो अंत राधे योर मोस्ट वांटेड भाई एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर जो प्रभु देवा द्वारा निर्देशित और सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री और जी स्टूडियो द्वारा निर्मित है दस ग्यारह इसमें सलमान खान दिशा पटानी रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ हैं राधे मूल रूप से 22 मई 2020 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया फिल्म अंत 13 मई 2021 को ईद उल फ़ितर के अवसर पर भारत में जी पांच के माध्यम से जी प्लेक्स पर प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड के रूप में विदेशों में नाटकीय रिलीज के साथ रिलीज हुई चार हालांकि राधे को आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने कहानी पटकथा निर्देशन मौलिकता रसायन शास्त्र और वी एफ एक्स की आलोचना की यह एक बड़ी हो टीटी सफलता बन गई चार दशमलव दो मिलियन व्यूज के साथ यह रिलीज के दिन सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ओटीटी फिल्म बन गई खान और हुडा के अभिनय की आलोचकों और दर्शकों ने सराहना की है दी इंडियन जैसे प्रकाशनों ने राधे को 2021 की सबसे खराब भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया बारह कथानक राणा एक क्रूर गैंगस्टर नशीली दवाओं का कारोबार शुरू करने के लिए मुंबई चला जाता है उसने एक आदमी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उससे उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं किया था वह आदमी मंसूर भाई का साथी है राणा न केवल कॉलेज के छात्रों को बल्कि स्कूली बच्चों को भी ड्रग्स बेचना शुरू कर देता है इसके चलते पिछले तीन महीने में नशे की लत के कारण बारह लोगों ने आत्महत्या कर ली मुंबई पुलिस ने राणा को रोकने के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा लेकिन उन्हें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ दिया गया और मार दिया गया पुलिस बल ने मामले में एक गुप्त पुलिस अधिकारी राधे को भेजने का फैसला किया वह नौकरी स्वीकार करता है राधे की मुलाकात एक मॉडल दिया अभयंकर से होती है और उससे प्यार हो जाता है राधे ने उसे बताया कि वह एक महत्वाकांक्षी मॉडल है और उसका नाम भोलू है दिया को धीरे धीरे राधे से प्यार हो जाता है साथ ही अधिकारियों से राधे को पता चला कि दो गिरोह हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं पहले गिरोह का नेतृत्व दिलावर करता है और दूसरे गिरोह का नेतृत्व दगड़ू दादा करता है दोनों गैंग आपस में भिड़े हुए हैं राधे ने दादा सहित दगड़ू दादा के गिरोह के सभी लोगों को हरा दिया राधे दादा के एक आदमी को गिरफ्तार करता है और उससे पूछताछ करता है वह उसे बताता है कि दिलावर का भाई मंसूर ड्रग्स का कारोबार करता है राधे दिलावर के इलाके में जाता है और उन्हें मंसूर को लाने की धमकी देता है दिलावर सहमत हो जाता है लेकिन राधे दिलावर को गिरफ्तार कर लेता है वह दिलावर और दादा को एक दूसरे के साथ शांति का एहसास कराता है राणा ने मंसूर के साथ मिलकर काम किया और उन्होंने दिलावर को अपनी ओर आकर्षित किया राणा और उसके लोगों ने दी लावर की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी बाद में राधे को पता चलता है कि दिया राधे के वरिष्ठ अधिकारी अविनाश अभयंकर की बहन है अविनाश उनके रिश्ते को स्वीकार करता है राणा और उसके गार्ड दादा के गिरोह के सदस्यों को मार देते हैं अगले दो दिनों में राणा और अधिक ड्रग्स बेचता है राधे को जानकारी मिलती है कि राणा और उसके गार्ड एलाइड पीडी क्लब में जाएंगे राधे पब में जाता है और टॉयलेट में राणा से लड़ता है राधे को राणा और उसके गार्डों द्वारा पीटा जाता है पुलिस के पहुंचते ही वे भाग जाते हैं दिया को पता चलता है कि राधे एक पुलिस अधिकारी है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है राधे मंसूर को गिरफ्तार कर लेता है और उसे अपने पक्ष में शामिल होने के लिए मना लेता है राधे दगड़ू की मदद से राणा के गार्डों की पिटाई करता है लेकिन उनमें से एक भाग जाता है और राणा को सूचित करता है बदला लेने के लिए राणा ने दगड़ू को मार डाला राधे को अक्षम माना जाता है और किसी अन्य अधिकारी को मामला सौंप दिया जाता है अविनाश की मदद से राधे छिपकर अपना काम जारी रखता है इस बीच राणा का एक गार्ड जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था दो पुलिस अधिकारियों से मिलता है वे एक सौदा करते हैं यदि गार्ड उन्हें मादक पदार्थ उपलब्ध कराता है तो अधिकारी उसे भागने देंगे गार्ड सौदा स्वीकार कर लेता है पता चला है कि दोनों अधिकारियों को राधे ने एक चाल के तौर पर काम पर रखा था राणा का गार्ड बाद में अधिकारियों से मिलता है और राधे द्वारा पकड़ लिया जाता है राणा को पता चलता है कि मंसूर राधे के साथ काम करता है और उसे मार डालता है राधे स्कूली छात्रों से मदद मांगता है वे स्वीकार करते हैं और राणा के गिरोह और उन लोगों की तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं जो वे राधे को ड्रग्स की आपूर्ति करते हैं जो अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है निकिशा नाम के एक पुलिस अधिकारी को राणा ने पकड़ लिया राणा उसे मारने वाला है लेकिन राधे उसे बचा लेता है राणा भाग जाता है और राधे उसका पीछा करता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नजरों से उछल हो जाता है अगले दिन राणा के कुछ गार्ड जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था भाग निकले राणा के साथ हेलीकॉप्टर में बैठने वाले एक गार्ड को छोड़कर राधे उनमें से अधिकांश को मार देता है राणा की योजना मुंबई से दूर जाकर कहीं और दवा का कारोबार शुरू करने की है राधे हेलीकॉप्टर पर कूदता है और राणा और गार्ड से लड़ता है उनकी लड़ाई के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे गार्ड की मौत हो गई अविनाश आता है और राणा को मारने की कोशिश करता है लेकिन राणा अविनाश की पिटाई करता है और उसे मारने वाला होता है राधे अविनाश को बचाता है और राणा से लड़ता है राधे हावी हो जाता है और राणा को मार डाल है सितंबर 2019 में मीडिया रिपोर्टों ने अनुमान लगाया कि प्रभु देवा दबंग तीन को पूरा करने के बाद सलमान खान के अगले प्रोजेक्ट का निर्देशन करेंगे और इसे ईद उल फितर 22 मई 2020 के अवसर पर रिलीज किया जाएगा जिस तारीख को खान की रुकी हुई फिल्म इंशाल्लाह के रिलीज होने की अटकलें थीं इक्कीस डेकन क्रॉनिकल के एक लेख में इस परियोजना का उल्लेख वांटेड 2009 की अगली कड़ी के रूप में किया गया है बाईस तेईस इस इसका शीर्षक वांटेड दो रखा गया है लेकिन निर्माताओं की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है 24 अक्टूबर 2019 में फिल्म को 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म की रीमेक बताया गया था डाकू पच्चीस पूर्व उत्पादन 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग तीन के मोशन पोस्टर से फिल्म का शीर्षक राधे बताया इसे ईद 2020 रिलीज के रूप में भी पुष्टि की जा रही है छब्बीस सत्ताईस ढलाई भारत के बाद खान के साथ उनके दूसरे सहयोग में दिशा पटानी रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ़ को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में लिया गया था 28 नवंबर 2019 में भरत श्रीनिवासन के फिल्म का हिस्सा होने की सूचना मिली थी उनतीस तीस गौतम गुलाटी ने भी फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की 31 फिल्माने फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 नवंबर 2019 को शुरू हुई बत्तीस तैतीस फिल्म का पहला शेड्यूल 4 नवंबर को मुंबई के महबूब स्टूडियो में हुआ चौंतीस खान ने सेट पर कलाकारों और चालक दल के सदस्यों के लिए नए दिशा निर्देशों की शुरुआत की जिसका उद्देश्य सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों या जूनियरों की मदद के लिए एक मित्र प्रणाली बनाए रखने पर जोर देना था पैंतीस छत्तीस फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ सैंतीस अड़तीस जहां खान और हुडा के कुछ पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए उनतालीस क्लाइमेक्स शॉट के लिए निर्माताओं ने दृश्य प्रभावों पर सात रुपये पांच करोड़ खर्च किए चालीस फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी इकतालीस लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल की योजना बनाई जिसे बाद में कोविड 19 के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया बयालीस यह बताया गया कि खान अपने फार्म हाउस पर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे तैतालीस हालांकि खान के प्रबंधक ने दावा किया कि पोस्ट प्रोडक्शन की कोई योजना नहीं थी क्योंकि सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी उत्पादन कार्य रोक दिए गए थे चवालीस पैंतालीस फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू की गई जहां कुछ पैचवर्क दृश्य और खान और पटानी पर एक गाना फिल्माया गया छियालीस फिल्म 14 अक्टूबर 2020 को पूरी हो गई थी सैतालीस संगीत राधे द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम साजिद वाजिद देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया मुक्त 4 मई 2021 हजार रिकॉर्डेड 2020 फिल्म का साउंड ट्रैक साजिद वाजिद देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है उनचास जबकि गीत शब्बीर अहमद साजिद खान और कुणाल वर्मा द्वारा लिखे गए हैं फिल्म का स्कोर संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा द्वारा रचित है राधे वाजिद खान साजिद वाजिद जोड़ी में से की मरणोपरांत कृति है और शीर्षक ट्रैक जून 2020 में उनकी मृत्यु से पहले उनकी आखिरी रचना थी पचास यह इसे साजिद खान का पहला एकल एल्बम भी बनाता है इक्यावन प्रसाद ने तेलुगु फिल्म डीजे दुवदा जगन्नाथम 2017 से अपने गीत सीती मार को फिर से बनाया बावन तिरपन हिमेश रेशमिया ने फिल्म में एक गाना भी बनाया है तेरह मई 2021 को राधे की सीमित नाटकीय रिलीज हुई थी चौवन इक्कीस अप्रैल 2021 को खान ने आगे घोषणा की कि फिल्म सभी परिचालन थिएटरों में रिलीज होगी पचपन और जी प्लेक्स के माध्यम से पेपर व्यू और डिजिटल स्ट्रीमिंग और जी पांच छप्पन यह हाइब्रिड रिलीज वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई सत्तावन क्योंकि मुंबई और दिल्ली में थिएटर बंद थे अट्ठावन इस कदम का फिल्म व्यापार विश्लेषकों और प्रदर्शकों ने महामारी के दौरान भारतीय सिनेमा की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित टर्निंग पॉइंट के रूप में स्वागत किया उनसठ सत्तावन मध्य पूर्व क्षेत्रों संयुक्त अरब अमीरात कतर ओमान कुवैत सऊदी अरब और बहरीन में फिल्म के लिए उन्नत बुकिंग रिलीज शेड्यूल से दो सप्ताह पहले 29 अप्रैल 2021 को शुरू हुई 60 खान ने एक वीडियो कॉल बातचीत में सीमित नाटकीय रिलीज के कारण फिल्म के खराब संग्रह के लिए थिएटर मालिकों से माफी मांगी इकसठ बासठ खान ने महामारी कम होने पर नाटकीय पुन रिलीज की योजना का भी आश्वासन दिया तिरसठ जीप्लेक्स ने अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शुरुआती कीमत दो सौ प्रति रुपये बताई जिससे उपयोगकर्ता डिजिटल स्ट्रीमिंग प्रमुख डी सेवाओं के माध्यम से फिल्म देख सकते हैं 66, 67 इसके अलावा, ने राधे कॉम्बो की घोषणा की एक पैकेज जिसकी कीमत चार सौ निन्यानवे रुपए है जो उपयोगकर्ताओं को एक वर्ष के लिए फिल्म देखने और मंच की सामग्री तक पहुंचने की अनुमति देता है अड़सठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को एप्पल टीवी पर किराए और स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था उनहत्तर खान और जी स्टूडियोज ने घोषणा की कि फिल्म का राजस्व कोविड 19 राहत कोष में दान किया जाएगा सत्तर इकहत्तर यह फिल्म मूल रूप से 15 अक्टूबर 2019 को रिलीज होने वाली थी तेरह लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था बेहतर प्रारंभिक रिलीज पर फिल्म के वितरण अधिकार यशराज फिल्म्स को बेच दिए गए थे तिहत्तर जिसमें टी सीरीज ने संगीत अधिकार हासिल किए और अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल किए लेकिन बाद में जनवरी 2021 में यह बताया गया कि खान ने जी स्टूडियोज के साथ एक नई डील साइन की थी तीन चौहत्तर और फिल्म के पूरे अधिकार नाटकीय डिजिटल सैटेलाइट और संगीत अधिकार सहित कंपनी को दो सौ तीस रूपए कर और में बेच दिए पचहत्तर छिहत्तर बाद में महामारी की स्थिति का हवाला देते हुए सौदे पर फिर से बातचीत की गई मई दो हजार इक्कीस में संशोधित बोली एक सौ नब्बे रुपए करोड़ थी सतहत्तर बॉक्स ऑफिस फिल्म ने अठारह पैसे करोड़ यूएस दो डॉट तीन मिलियन से अधिक की कमाई की जी पांच पर ओ रिलीज के रूप में सफल स्वागत के बाद यह एक सीमित दूसरी रिलीज थी जिसे चौदह मिलियन से अधिक बार देखा गया अहमियत भरा जवाब फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से बेहद नकारात्मक समीक्षा मिली समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोस पर फिल्म को 11 समीक्षाओं के आधार पर 9% परसेंट की रेटिंग और एक दशमलव छह बटा दस की औसत रेटिंग प्राप्त है अठहत्तर आईएमडीबी ने फिल्म को एक दशमलव नौ बटा दस दी जो वेबसाइट पर खान की सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म थी उनासी फिस्ट पोस्ट के अन्ना एमएम वेटिकैड ने राधे को शून्य बटा की रेटिंग दी और लिखा यह फिल्म इतनी सामान्य है कि एक बार देखने के बाद इससे कथानक को लिखना एक चुनौती होगी सलमान खान का प्रदर्शन इस तथ्य को दोहराता है कि वह नहीं देख रहे हैं दर्शकों से कोई मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें हल्के में लेना उन्होंने मुख्य अभिनेत्री को पर्याप्त स्क्रीन समय नहीं देने के लिए फिल्म की आलोचना करते हुए कहा फिल्म अपनी नायिका को प्रदर्शन पर एक शरीर के अलावा कुछ नहीं मानती है जिसका एकमात्र काम नायक को किसी से प्यार करना उसके साथ नृत्य करना और रक्षा करना अस्सी द क्विंट की स्तुति घोष ने राधे को छूए पांच बटा पांच की रेटिंग दी इसे क्रिंगफेस्ट कहते हुए उन्होंने लिखा राधेय एक जोरदार संवेदनहीन और आक्रामक फिल्म है जिसमें महिलाओं पुलिस बल और सामान्य रूप से दर्शकों की बुद्धि के लिए बहुत कम सम्मान है उन्होंने आगे कहा राधे निराशाजनक रूप से इस बारे में बात नहीं कर रही है कि यह कैसे पुलिस की क्रूरता और लगभग दम घोंटने वाली जहरीली मर्दानगी को बढ़ावा देती है किसी सस्ते डिओड्रेंट की तरह स्प्रे किया गया इक्यासी दी इंडियन से शुभ्रा गुप्ता ने राधे को छू पांच बटा पांच की रेटिंग दी और लिखा राधे एक नासमझ मूर्खतापूर्ण फिल्म है जिसमें सलमान वह सब कुछ करते हैं जो उन्होंने किया है टाइम्स बयासी हिंदुस्तान टाइम्स से सौम्या श्रीवास्तव ने राधे कहा एक फिल्म की यातना और खान की सबसे खराब फिल्मों में से एक उन्होंने राधे को एक कठिन फिल्म के रूप में वर्णित किया और कहा यह फिल्म कुछ भी नहीं बल्कि एक्शन दृश्यों का एक संग्रह है जिसमें दिशा की तंग पोशाकें, कुछ डांस नंबर और अपुन कहने वाले गुंडे फिलर्स के रूप में काम करते हैं तिरासी वानुमानित फॉर्मूला तैयार किया गया है पचासी फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा लिखा सलमान खान अभिनीत फिल्म शिल्प से इतनी मुक्त है कि दुख होता है प्रभुदेवा ने सलमान खान के पंथ के लिए एक और जोरदार स्तब्ध करने वाला निरर्थक भजन प्रस्तुत किया है छियासी द नेशनल नम्रता जोशी ने लिखा राधे एक फिल्म का एक खाली बर्तन है जो बहुत तेज शोर मचाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है जिसका कोई मतलब नहीं है पटानी के किरदार के फ्रेमिंग की आलोचना करते हुए उन्होंने आगे लिखा दिया खुद बेहद आक्रामक है यह सिर फनिर्माताओं और सलमान खान ब्रह्मांड की बेहद रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाता है जहाँ पुरुष और महिलाएं शायद ही कभी बराबरी के रिश्ते में होते हैं जहां पुरुष महिला का स्व अभिषिक्त संरक्षक है और महिला को किसी प्रकार की संपत्ति या अधिकार के रूप में देखा जाता है सत्तासी मैशेबल की सुश्री साहू ने पुलिस की बर्बरता बंदूक हिंसा और जहरीली मर्दानगी का महिमामंडन करने के लिए राधे की आलोचना की उन्होंने आगे लिखा राधे न केवल संवादों के साथ बल्कि सफाई करने वाले दुष्ट पुलिसकर्मी के फॉर्मूले को भी दोहराता है यह न्यूनतम एक बलात्कार हमले की कहानी को भी नहीं बख्शता वास्तव में फिल्म एक जैसी दिखती है खान के पहले से ही लोकप्रिय ब्रांड को बेचने के लिए ब्रोशर यह पूरी तरह से भाई पोन है so, आज की इस वीडियो में हमने इसी एक सीरीज के बारे में जाना इसकी जितनी भी अपडेट थी फिर प्रोडक्शन था कास्टिंग थी इन सभी के बारे में हमने जान लिया और जियो सिनेमा पर और भी कई कंटेंट आ रहे हैं उन सभी का धीरे धीरे कर कर हम वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में जियो सिनेमा पर कंटेंट आ रहे हैं आए दिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है तो आज की इस वीडियो में हमने इस सर्जेंट मूवी के बारे में जाना तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में